बिल्डर्स के पास हमेशा काम होता है। नए घर का डिजाइन सोचना सबसे मुश्किल काम होता है। बेटी, हमने पहले से ही हैंगिंग हाउस बना रखा है और हमने टेबल के नीचे सीक्रेट रूम भी बना रखा है। हमारे पास एक बैकयार्ड भी है। सही कह रही हो पिंकी, हमने ये सब पहले ही कर लिया है। हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। क्या हम बिल्डिंग से थक गए? क्यों ना? नहीं, हम कुर्सियों से घर नहीं बना सकते, लेकिन हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटी, मेरे पास एक प्लान है। हम इस टेबल को छोटे से घर में बदल देंगे। पिंकी, तुम जीनियस हो, लेकिन हमारे पास दो घर हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो बनाना शुरू करें। चलो पिंकी, तुम ये कर सकती हो। दीवारें बनानी बहुत आसान है। तुम्हें एक कार्डबोर्ड और एक बॉक्स कटर चाहिए। इसे काटो और अपनी जगह पर रख दो। तुमने इतनी ऊंची सीलिंग कैसे बना ली? बेटी के पास कुछ बीम्स हैं। तुम उसे टेबल को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हमें स्क्रू चाहिए होंगे। बेटी, जिप टाई का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये आसान है। ये सेफ है और एक भी बोल्ट नहीं। फ्रेम बस तैयार है। अब बस ओवरहेड बीम को लगाना बाकी है। यहाँ स्क्रू ड्राइवर काम आएगा। इस घर को मजबूत बनाना है और ये कार्डबोर्ड पीस टेबल को घर में बदल देंगे। बुरी शुरुआत नहीं है, जरूरी चीज ये है, हमें सीलिंग के बारे में नहीं भूलना। सारे आइडियाज के लिए इतने कार्डबोर्ड काफी है। बेटी ने घर सजाना शुरू भी कर दिया। इस पीस को चमकाना होगा। बस हमें यही चाहिए था। टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इसे काट ले और बेस पर चिपका दे। इधर बीच में फ्लफी फैब्रिक रखे। सोचो ये क्या है? डॉग के कान। बिल्कुल, ये रूफ को सुंदर बना देंगे। बेटी, तुम सच्ची की रानी हो। मैं भी ये कर सकती हूँ, पर मेरा पिंक होगा। हम घर को फैब्रिक से ढक देंगे और फालतू हिस्से को काट देंगे और सफाई से कोनों पर बांध दे। बहुत बढ़िया, और सॉफ्ट फैब्रिक लगा दे, इससे और आरामदायक हो जाएगा। सजावट का क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरफ जाएगा और वो उस तरफ। फैब्रिक को दीवारों पर लगाएं और स्टेपल कर दे। अब सही है। पिंक कैप्सूल के भी कान है। एक, दो और हो गया। ये एक बहुत सुंदर छोटी सी बिल्ली बन जाएगी। बेटी का काम अच्छा चल रहा है। उसका कैप्सूल पीला होगा। उसे बस इतना करना है कि घर को रैपिंग पेपर में रैप कर देना है। ये सही है, ब्राइट और चीयरफुल। पर पीला रंग कभी ज्यादा नहीं लगता। घर के अंदर भी धूप रहने दे और सभी साइड्स पर टेप लगाना ना भूले। ये कैप्सूल सच में एक आरामदायक पपी हाउस की तरह है। पिंकी के पास भी सब कुछ तैयार है। ये कान कितने सुंदर है। हाँ, कोई आइडिया चुरा रहा है। इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। इसे दोबारा बनाने की कोशिश करो पिंकी, तुम्हारे पास ऐसे पैर नहीं है। वुफ वुफ, किसने कहा पॉज? म्याऊ, क्या तुम्हारा मतलब ये है? कैप्सूल हाउस वार्मिंग के लिए तैयार है। एक्सपीरियंस्ड बिल्डर्स कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जगह अभी भी बहुत खाली है। चलो पहले एक टेबल बनाए। कार्डबोर्ड से ही, बिल्कुल। हम दो शीट्स जोड़ते हैं और एक कंफर्टेबल फर्नीचर बनाते हैं। कैप्सूल हाउस का पहला रूल जगह बचाना है। चलो टेबल को पिंक से सजाते हैं। सब कुछ मैच होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लाइट्स का क्या? आ रही है। अब यहाँ खाने की जगह है। और इतने एलईडी रिबन दीवार को सजाने के लिए काफी है। बेटी, देखो मैं यहाँ क्या लेकर आई हूँ। खैर खैर, पिंकी फिर से स्नैक खा रही है। पीले कैप्सूल के पास टेबल नहीं है,
तो हमें एक बनाना होगा। डार्ट्स का टेबल टॉप अपनी जगह पर तैयार है। लेग्स कैसे बनाए? हम एक कार्डबोर्ड ट्यूब लेंगे, बस पीसेस को जोड़े और हमारे पास एक असली टेबल हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, जल्द ही फर्नीचर बहुत अच्छा दिखेगा। बस नंबर हटा दो और खाली जगह पर सफेद रंग कर दो। ये बहुत प्यारा लग रहा है ना? अब हम नंबर्स को वापस लगा सकते हैं। टेबल तो पहले से ही पहचाना नहीं जा रहा। ओह हाँ, हमें इसके साइड्स पर भी टेप लगानी होगी। और चलो टेबल को ग्रीन बनाते हैं। पीले के साथ ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेटी अपनी मनपसंद अलार्म क्लॉक इस टेबल पर रखेगी। पिंकी के पास एक नया आइडिया है। इंटीरियर जल्द ही काफी क्यूट हो जाएगा। ये अच्छा है, ये यान काम करेगा। हमें कलरफुल बटन भी चाहिए होंगे। इसे बिल्कुल साइड्स में लगा देंगे, एक दूसरे के अपोजिट। चलने के लिए तैयार हो? अब मजेदार पार्ट आएगा। हम स्ट्रिंग को बटन से लगा देंगे और उसे दूसरी तरफ वाले बटन से लगा देंगे। और अब हम स्ट्रिंग को पीछे खींचते हैं। जितने ज्यादा धागे होंगे उतना अच्छा होगा। और थोड़ा पर्पल ऐड करो। ओह, ये आसान नहीं है। उफ़, पिंकी उलझ गई। मुझे जाने दो। चलो भी, मुझे फ्री होना है। लेकिन पिंकी वेब से बाहर आ गई है। ये दीवार तो पहचानी नहीं जा रही, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। तुम स्ट्रिंग में अपनी कलेक्शन में से सबसे अच्छी फोटोज लगा सकती हो। बेटी इसकी तारीफ जरूर करेगी। मुझे उसे एक सेल्फी भेजनी चाहिए। क्या तुम्हें ये पसंद आया बेटी? इसे कॉपी करने की कोशिश करो। और मैसेज तो पहले ही डिलीवर हो गया है। इतना बुरा नहीं है पिंकी, बुरा नहीं लग रहा। लेकिन तुम्हारे पास पिलो नहीं है। तैयार हो जाओ, अब तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमें दो रंग के फैब्रिक चाहिए होंगे। व्हाइट और ग्रीन सही रहेंगे। फैब्रिक में से शेप काटो, लंबे रिबन, स्क्वायर और ट्रायंगल्स। अब हम बना सकते हैं। ट्रायंगल के दोनों कोनों को ग्लू से चिपकाएं और तीसरे को खुला छोड़ देती हूँ। इस तरह मैं पिलो को भर सकती हूँ। पॉलिस्टर स्टफिंग का इस्तेमाल करती हूँ। लूज एज को ग्लू करें और अब हम इसे सजाना शुरू कर सकते हैं। इसे ग्रीन बनाओ, कुशन को रिबन से सजाओ। क्यों ना हम इस पर एक ब्राइट पेंट कर दें? कितना स्टाइलिश लग रहा है। ओह बेबी, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये पिलो अब तुम्हारे हैं। अपने आप को कंफर्टेबल रखो। देखो मेरे पास सेम कुशन काउच है। कितना आरामदायक है। वाह बेटी, ट्विन पिलो, ये एक अच्छा आइडिया है। ओह, मुझे जाना होगा, जल्द मिलेंगे। पिंक कैप्सूल में भी पिलो होना चाहिए। और जल्दी, पिंकी सारे स्विंग रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर मैंने कर दिखाया। वो जरूरी नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। फिश पिलो को फिन चाहिए। चलो इसे थोड़ा चमकाते हैं। हम इसे काट लेंगे और बेस से सिल देंगे। वाह, कितना प्यारा है। और आखिरी काम, हम पिलो को बहुत सॉफ्ट बनाएंगे। स्टफिंग कहाँ है? मछली तैरने के लिए तैयार है। लेकिन एक पिलो बहुत बोरिंग है। पिंक हाउस में स्क्वीशी मछली का ब्लॉक होगा। बेटी इधर आओ, जल्दी तुम आ सकती हो। देखो मैंने ये फोटो एरिया बनाया है। यहाँ हम लंच करेंगे। मैंने ये मछली खुद बनाई है। पिंकी, तुम्हारा कैप्सूल एक सपने की तरह है। ऐसा लगता है पिंक हाउस कंपटीशन जीत गया। लेकिन बेटी के पास कुछ आइडियाज हैं। मेन दीवार पर रस्सी नहीं है, ये सही है। चलो काम करते हैं। अब हम कार्डबोर्ड से डेकोर कट करेंगे। चलो इससे बोन बनाएं। पपीज को बहुत पसंद आएगा। और वर्क पीस को ग्लिटर से कवर कर दें। और बोन्स, अब हम दीवार सजा सकते हैं। रस्सी से बोन टांग दें। ये बिल्कुल अलग चीज है। बस और बोरिंग दीवार नहीं। पिंकी अब रुक नहीं सकती। उसने एक मिनी शैंडेलियर बनाने का सोचा।
हम बलून के अंदर लाइट्स लगाएंगे और हम कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, आसान लेकिन स्टाइल के साथ, प्योर मिनिमलिज्म। हम शैंडेलियर्स को सीलिंग से लगा देंगे, ये बहुत प्यारा है। अब पिंकी के पास दो मूनलाइट नाइट लाइट्स है, कंस्ट्रक्शन बहुत थका देता है। पिंकी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलते हैं। और येलो कैप्सूल ने अपने सुंदर दरवाजे बंद कर दिए, बुरा आइडिया नहीं है, ये एक बहुत इवेंटफुल दिन था। पिंक हाउस भी सुबह तक बंद हो रहा है। स्वीट ड्रीम्स बेटी। गुड मॉर्निंग पिंकी, तुम्हें अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी बेटी, आज हम क्या करने वाले हैं? कैप्सूल बहुत आसान है, हमें नए कंस्ट्रक्शन आइडिया चाहिए होंगे। सही कह रही हो, और कैट डॉग प्रोजेक्ट सीधा हमारी कलेक्शन में जा रहा है। हमने इस पर बहुत अच्छा काम किया है ना? हाँ अच्छा काम किया। तो अगली बार हम कौन सा घर बनाएं?